नमस्कार दोस्तों, लाइटनिंग मैन चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और जो ये सीरीज जिसमें कि हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ 61850 की बात कर रहे हैं, हमने शुरुआत किया था दो सेशन पहले, और पिछले दो सेशन में हमने बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 61850 से रिलेटेड, बेसिकली गोज, मल्टीमीडिया मैसेजेस एंड देन उसके अलावा फिर हमने बात की थी कि अनएक्नोलेज मल्टीकास्ट मैसेज का क्या मतलब होता है, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है, क्लाइंट सर्वर या पब्लिशर सब्सक्राइबर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने कुछ इंटरलॉक्स के बारे में बात की थी कि इंटरलॉक्स कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है 61850 के टर्म्स में, और नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात की थी। साथ ही साथ लास्ट सेशन में मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट सेशन में SCL लैंग्वेज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आज के सेशन में हम 61850 इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली हम SCL लैंग्वेज के बारे में चर्चा करेंगे। और आज का ये सेशन होपफुली 61850 सीरीज का आखिरी सेशन होगा, अगर कुछ लेफ्ट ओवर होता है तो मैं नेक्स्ट सेशन में उसे कवर करूंगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आज के सेशन में ही 61850 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी कवर कर लिए जाए। तो आइए अब बहुत ज्यादा समय ना खराब करते हुए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा है IEC 61850 दी SCL लैंग्वेज। और SCL जैसे कि आपको यहाँ से नाम से पता चल रहा होगा, SCL होता है सबस्टेशन कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। तो हम सबसे पहले SCL लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे कि SCL लैंग्वेज क्या होता है और वो कैसे दिखता है और किस टाइप से हम उसके लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो जो भी हमारे IDs होते हैं और जो सबस्टेशंस के अंदर जो भी ID यूज हो रहे हैं उसको बेसिकली हम XML फाइल्स के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, और जो 61850 लैंग्वेज जो XML फाइल्स में यूज किया जाता है उसी को हम SCL लैंग्वेज कहते हैं, और या SCL कहते हैं बेसिकली। SCL लैंग्वेज तो लैंग्वेज तो खुद ही L में आ जाता है, तो जो SCL होता है उसको मतलब होता है सबस्टेशन कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। अभी मैंने आपको बताया अभी था, बेसिकली इस टाइप से अगर आप नोटपैड में ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ दिखता है, और मैं इसके बारे में एक एक करके चर्चा करूंगा कि इसका क्या मतलब होता है। ये बहुत पहले का स्टार्टिंग के स्लाइड में जैसे मैंने बताया था कि दो बस है, मान लीजिए बस वन बस टू, और उसके बीच में कुछ फीडर्स कनेक्टेड है, फिर फीडर्स के प्राइमरी इक्विपमेंट मान लीजिए आइसोलेटर्स, कार स्विच, ब्रेकर्स, सीटी, सीवीटी, ये सभी आपके अलग अलग इक्विपमेंट हो सकते हैं। तो उनको आप एक आईडी के अंदर जब इन इंफॉर्मेशन को लेकर के आते हैं तो उसको 61850 में कैसे दिखाते हैं, वही SCL लैंग्वेज में पूरा पूरा आता है। बेसिकली SCL लैंग्वेज के अंदर कुछ आपके लॉजिकल नोड्स प्रीडिफाइंड होते हैं, जिसके अंदर आपका आता है, मान लीजिए कि जो ब्रेकर्स है या जो स्विचेज है उसको बेसिकली हम दिखाते हैं XCBR का मतलब होता है सर्किट ब्रेकर, CSWI मतलब स्विचेज जिसके अंदर आपका आइसोलेटर्स और स्विच ये सब आता है, सी वाले जो भी सिग्नल्स होते हैं बेसिकली सी से जो सिग्नल स्टार्ट होता है वो होता है कंट्रोल के लिए, पी वाला जो सिग्नल होगा वो होगा आपका प्रोटेक्शन के लिए, एम से जो भी स्टार्ट होगा वो होगा आपका मेजरमेंट या मीटरिंग के लिए, एंड आर से जो सिग्नल स्टार्ट होता है वो होता है आपका प्रोटेक्शन रिलेटेड। प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन रिलेटेड में क्या डिफरेंस होता है, प्रोटेक्शन का मतलब होता है जो आपका मेन प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका डिस्टेंस है या डिफरेंशियल है या ओवर करंट है या ओवर वोल्टेज है, ये सभी चीजें जो आपका है ये पी से स्टार्ट होगा, मतलब जैसे डिस्टेंस है तो PDIS, डिफरेंशियल है तो PDIF, या आपका ओवर करंट है तो PTOC टाइम डिलेड ओवर करंट, या PIOC इनवर्स टाइम ओवर करंट, ओवर वोल्टेज है तो PTOV प्रोटेक्शन टाइम ओवर टाइम डिलेड ओवर वोल्टेज, आर मतलब प्रोटेक्शन रिलेटेड, जैसे कि आपका मान लीजिए ऑटो डिक्लोजर फंक्शन है, तो ये डायरेक्टली प्रोटेक्शन फंक्शन नहीं है बट प्रोटेक्शन से रिलेटेड फंक्शन है, तो उसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो वो आता है RREC, REC मीन्स रिक्लोज एंड R मीन्स प्रोटेक्शन रिलेटेड। तो इसी टाइप से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो XCBR ब्रेकर, CIWI स्विचेज, C मीन्स कंट्रोल एंड ILO मीन्स इंटरलॉक, तो सी लो इंटरलॉक, PTOC प्रोटेक्शन टाइम डिलेड ओवर करेंट, PDIS distance, then R means protection related, REC means reclosure, then R means protection related, and BRF means breaker failure. तो इस टाइप से जो भी आपका एक बे है, एक बे के अंदर आपका बेसिकली क्या होगा, ब्रेकर होगा, आपके स्विचेज होंगे, आइसोलेटर्स और स्विच वगैरह, फिर उनका इंटरलॉक होगा और प्रोटेक्शन फंक्शंस होंगे, यही चीजें होती हैं। तो उन चीजों को हम आईडी में इस टाइप से सिग्नल्स देखते हैं, इसी टाइप से सेकंड आईडी में भी सेम सिग्नल होंगे, थर्ड आईडी में भी सेम सिग्नल होंगे, फिर इनको हम SCL लैंग्वेज में कैसे लेकर के आते हैं और वहां से कैसे समझते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अभी अगर आप देखें ये बेसिकली जो भी है ये आपका
एबीबी का पीसीएम सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट है, स्नैपशॉट है। जब हम पीसीएम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे उस टाइम पर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन है पीसीएम सॉफ्टवेयर का। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है REL 670 एक फिजिकल IEDs है या फिजिकल 650 डिवाइस है, और REL 670 IC जो है वो उस IED का नेम है। नेम क्या है? REL 670 IC, और वो किसका नेम है? IED का नेम है। इसी IED को जब आप थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे LD0। LD0 का मतलब होता है लॉजिकल डिवाइस, और ये उसका नाम है LD0। ये लॉजिकल डिवाइस है। इस लॉजिकल डिवाइस में आप देखेंगे तो बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, जिसके अंदर की हम एक फंक्शन की बात कर रहे हैं वो है हमारा SMPTRC। PTRC जो होता है प्रोटेक्शन ट्रिपिंग फंक्शन होता है, ट्रिपिंग ब्लॉक होता है। जैसे कि आप यहाँ पर एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन का ये ब्लॉक देख सकते हैं ट्रिपिंग सर्किट का लॉजिक, और इस ब्लॉक के यहाँ पर अगर आप इस पोर्शन को देखें तो ये लिखा हुआ है SMPTRC। PTRC मीन्स प्रोटेक्शन ट्रिपिंग का ब्लॉक है ये। इस जो प्रोटेक्शन ट्रिपिंग का जो ये जो ब्लॉक होता है SMPTRC को बोलते हैं लॉजिकल नोड, सेम लाइक आपका PDIS या PTOC। ये सारे चीजें जो भी है ये सब क्या है? लॉजिकल नोड्स है। अब इस लॉजिकल नोड्स में इसके आपके डाटा ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके डाटा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं आपके ऑपरेट, जैसे कि आपको मान लीजिए लिखा हुआ है PDIS OP, तो दैट मीन्स प्रोटेक्शन डिस्टेंस ऑपरेटेड। तो प्रोटेक्शन डिस्टेंस, और इससे पहले मान लीजिए LD0 है, तो LD0 क्या है? लॉजिकल डिवाइस है। अब इस लॉजिकल डिवाइस के अंदर, ये लॉजिकल डिवाइस किसका डिवाइस है? ये लॉजिकल डिवाइस है फिजिकल डिवाइस जो हमारा है REL 670, उसका एक लॉजिकल डिवाइस क्रिएटेड है 650 में। उस लॉजिकल डिवाइस का एक फंक्शन है लॉजिकल नोड्स प्रोटेक्शन डिस्टेंस, उसका डेटा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑपरेटेड। इसके एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? ऑपरेटेड कौन कौन सा हो सकता है? ऑपरेटेड हो सकता है फेज ए हो सकता है फेज बी हो, या हो सकता है फेज सी हो। तो अगर आप देखें तो क्या क्या है? सबसे फर्स्ट लेवल पर आईडी है जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट है। आईडी ये तो हमारा आपके पास, सॉरी, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है। देन उसके बाद आपका इस आईडी का एक लॉजिकल डिवाइस होगा, तो लॉजिकल, फिर लॉजिकल डिवाइस के बाद उस लॉजिकल डिवाइस का जो है लॉजिकल नोड्स होगा, उसको कहते हैं LN। लॉजिकल नोड्स के बाद उसका डेटा ऑब्जेक्ट होगा DO, एंड देन फाइनली डेटा एट्रीब्यूट। तो अगर आप रिवर्स ऑर्डर में डेटा एट्रीब्यूट, डेटा ऑब्जेक्ट्स, लॉजिकल नोड्स, लॉजिकल डिवाइस एंड फाइनली द फिजिकल डिवाइस। तो अगर आप यहाँ पर देखें ये SMPTRC, इसका PTRC ये हो गया। इसके आपके डेटा ऑब्जेक्ट क्या क्या है? इसके डेटा ऑब्जेक्ट है OP, और उसके अंदर एट्रीब्यूट क्या है? जनरल, दैट इज जनरल ट्रिप, फेज ए ट्रिप, फेज बी ट्रिप, फेज सी ट्रिप। यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रिप L1, ट्रिप L2, ट्रिपल थ्री, और एक ये जनरल ट्रिप। तो यही हमारे पास इसका जो आईडी मॉडलिंग जब हम करते हैं SCL लैंग्वेज के अंदर, जब हम मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग बेसिकली इंडिविजुअल रिले स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर से होता है। जैसे अगर एबीबी की सॉफ्टवेयर रिलेज है, सपोज REL RET REC कोई भी है, तो इसके लिए आप PCM 600 यूज करेंगे। अगर सीमेंस की रिले है, सपोज 7SA522 या कोई भी सीमेंस की रिले, तो उसके लिए आप डिक्सी यूज करेंगे। इसी टाइप से अगर अल्स्ट्रॉम के रिले है, जिसको जी के रिले है, सपोज P444 या P442, तो इसके लिए आप माइकम S1 एजाइल यूज करेंगे। बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, आपका जो वर्किंग है वो सेम ही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा, क्योंकि 650 में सबको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। क्यों स्टैंडर्डाइज कर दिया गया? क्योंकि समझना ईजी रहेगा। अब आप देखेंगे तो ये एक बे के लिए, मान लीजिए एक कोई भी बे है, उसका एक बे का बे यूनिट होगा जो कि आईडी होगा। उस आईडी के अंदर ये SMPTRC ब्लॉक है। इस SMPTRC ब्लॉक से हम दो सिग्नल ले सकते हैं, ट्रिप या ऑपरेट। तो ट्रिप जनरल ट्रिप हो सकता है या फेज वाइज ट्रिपिंग हो सकती है। फिर अगर आप देखें कि अगर हम इसी की बात करें कि ये PTRC कैसे आता है, तो ये हमारे पास स्टेप से आपको दिखेगा। और ये जो है REL 670 डिवाइस है, उसके अंदर जब आप एक्सपेंड करते जाएंगे तो ये लॉजिकल डिवाइस LD जो है हमारा लॉजिकल डिवाइस है, उसका लॉजिकल नोड है SMPTRC। फिर इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो उसके अंदर आपको वो सारे डेटा ऑब्जेक्ट्स और डेटा एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर उसको एक्सपेंड किया, ये देखिए ये डिवाइस था REL 670, उसका लॉजिकल डिवाइस LD0, उसका एक लॉजिकल नोड SMPTRC1, उसको जब एक्सपेंड किया तो डेटा ऑब्जेक्ट्स, और उस डेटा ऑब्जेक्ट के डेटा एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? जनरल, फेज ए, फेज बी, फेज सी। तो वही ये चीजें यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। अब अगर आप बात करें किसी दूसरे रिले की, मान लीजिए कि ये सीमेंस की रिले है 7SJ64, क्योंकि एक ओवर करेंट रिले
है एग्जाम्पल के लिए। अब इस रिले के अंदर भी सेम होगा आपका, ये एपी का मतलब होता है एप्लीकेशन पॉइंट्स। इस एप्लीकेशन पॉइंट्स के अंदर आपका सबसे पहले लॉजिकल डिवाइस, और ये लॉजिकल डिवाइस अगर आप ध्यान से देखें तो लॉजिकल डिवाइस क्या है, प्रोटेक्शन। अब इस प्रोटेक्शन लॉजिकल डिवाइस के अंदर बहुत सारे लॉजिकल नोड्स होंगे, जिसमें से कि एक लॉजिकल नोड हम पकड़ लेते हैं पीटीआरसी। पीटीआरसी जो है जनरल प्रोटेक्शन ट्रिपिंग सिग्नल्स होते हैं। इसके डेटा ऑब्जेक्ट्स टीआर मींस ट्रिपिंग, और उसके अट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, जनरल हो सकता है, क्वालिटी और टाइम फ्लैग के साथ ही आ सकता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जनरली डेटा एट्रीब्यूट्स इसमें क्या है, जनरल, डेटा ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रिपिंग, नोड्स पीटीआरसी, एंड डिवाइस जो है वो है आपका एलडी। तो जो भी मतलब आप कोई भी डिवाइस है, आप हर एक रिले को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक रिले को ओपन करने के लिए आपको रिले स्पेसिफिक टूल चाहिए। लेकिन आप अगर उसका एससीएल फाइल जानते हैं, तो आप एससीएल फाइल के थ्रू इजिली समझ सकते हैं कि वो कौन सा प्रोटेक्शन फंक्शन यूज कर रहा है, उसका कौन सा सिग्नल यूज कर रहा है। जैसे यहाँ के केस में अभी जो है 7AG64 रिले के अंदर प्रोटेक्शन जनरल थ्री फेज ट्रिप यूज कर रहा है, क्योंकि जनरल है, दैट मींस थ्री फेज ट्रिप यूज कर रहा है। अब जो एससीएल मॉडलिंग की हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं ये दिखा रहा था कि ये एक बड़ा सा फिजिकल डिवाइस है। ये एक बड़ा सा फिजिकल डिवाइस क्या है, मान लीजिए कि ये 7SA522 सीमेंस की रिले हो सकती है, या REL670 हो सकता है, या आपका SEL421 हो सकता है, कोई भी एक बड़ा सा फिजिकल डिवाइस है। उस डिवाइस के अंदर बहुत सारे लॉजिकल नोड्स हो सकते हैं, जैसे आपका हो सकता है, मान लीजिए उसके अंदर सबसे पहले तो जो बड़ा सा फिजिकल डिवाइस है उसके अंदर बहुत सारे लॉजिकल डिवाइस हो सकते हैं, जैसे कि आपका हो सकता है प्रोटेक्शन होगा, हो सकता है कि मेजरमेंट हो सकता है कि कंट्रोल हो। तो ये जो प्रोटेक्शन, मेजरमेंट, कंट्रोल, ये जो भी होते हैं इसको बोलते हैं आप लॉजिकल डिवाइस। अब हर एक लॉजिकल डिवाइस के अंदर बहुत सारे लॉजिकल नोड्स हो सकता है, जैसे प्रोटेक्शन के अंदर आपका हो सकता है पीटीओसी हो सकता है पीडीआईएस हो सकता है पीडीआईएफ हो, तो बहुत सारे लॉजिकल नोड्स हो सकते हैं। सेम वे आपका मेजरमेंट में हो सकता है कि MMXU है, XU का मतलब करंट, मतलब आपका वोल्टेज मेजरमेंट है, या आपका LPHD है जो फिजिकल डिवाइस का हेल्थ है, या फिर आपका जो आपका कंट्रोल है, कंट्रोल के अंदर फिर अलग अलग चीजें हो सकती है, इसके अंदर CHWI, XCBR, CILO। तो एक फिजिकल डिवाइस है जो कि आपका मान लीजिए REL670। इस फिजिकल डिवाइस के अंदर बहुत सारे लॉजिकल डिवाइस होंगे, वो लॉजिकल डिवाइस क्या क्या होगा, प्रोटेक्शन हो सकता है, वो लॉजिकल डिवाइस मेजरमेंट हो सकता है, वो लॉजिकल डिवाइस आपका DR हो सकता है, वो लॉजिकल डिवाइस कंट्रोल हो सकता है। अब हर एक लॉजिकल डिवाइस के अंदर बहुत सारे लॉजिकल नोड्स हो सकते हैं, जैसे PDIS, PTRC, PTOC, इस टाइप से बहुत सारे आपके लॉजिकल नोड्स हो सकते हैं। हर एक लॉजिकल नोड्स के अंदर कुछ डेटा ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि जनरल ट्रिप, या जो है ऑपरेटेड या स्टार्ट। तो ये जो हमारा ऑपरेटेड या स्टार्ट है, ये आपका डेटा ऑब्जेक्ट्स है। अब उस डेटा ऑब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका ऑपरेटेड के अंदर क्या हो सकता है, जनरल ट्रिप, या ऑपरेटेड फॉर फेज ए, फेज बी, फेज सी, सिम में स्टार्ट के लिए भी ऐसा हो सकता है। तो अगर आप देखें तो ये बड़ा सा जो है ये फिजिकल डिवाइस है, जो कि ABB REL670 या Siemens 7SA522 पे कोई भी रिले हो सकता है, या BCU भी हो सकता है। फिर उसके अंदर इसका पार्ट है फिजिकल डिवाइस का लॉजिकल डिवाइस, जो कि आपका हो सकता है प्रोटेक्शन, मेजरमेंट, कंट्रोल, DR, कुछ भी। हर एक लॉजिकल डिवाइस के अंदर कुछ लॉजिकल नोड्स होंगे, तो ये लॉजिकल नोड्स है। अब हर एक लॉजिकल नोड्स के कुछ डेटा ऑब्जेक्ट्स होंगे, और हर एक डेटा ऑब्जेक्ट के कुछ डेटा एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जैसे हम इसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जब मेंशन करते हैं, इसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कैसे प्रोग्राम किया जाता है, कैसे उसकी लैंग्वेज में लिखा जाता है XML फाइल में, वही आपको 6850 में डिफाइन किया जाता है। वही एक स्टैंडर्ड है जिसको कि SCL लैंग्वेज कहते हैं 6850 में। तो जैसे आप यहाँ पर देखें तो ये एक सिंपल 6850 का XML लैंग्वेज है। अब इसमें एक आपका कुछ जो है वो लिखा हुआ एक मॉडल है। इस मॉडल के अंदर अगर आप देखें तो आपका बहुत सारा चीज है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है कि कोई भी सर्विसेज या कोई भी अगर आपका वो स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा और जहाँ पर बैक स्लैश और फिर ये क्लोज आ जाता है, वहां पर वो जाकर के खत्म हो जाता है। यहाँ पर आप देखें तो इस सर्विसेज के अंदर बहुत सारे सर्विस है जो कि मेंशन है। मैक्सिमम रिपोर्ट कंट्रोल ब्लॉक कितना है, कितने डेटा सेट है, कितने एट्रीब्यूट्स है, कितना मैक्सिमम गूज है, ये सभी चीजें आप इसमें से देख करके समझ सकते हैं। अगर आप इन दोनों को देखें, इसको और इसको, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इस सर्विसेज में यहाँ पर
सर्विस डायरेक्ट खत्म हो गया, जबकि यहाँ पर जब तो इसका लास्ट जो है वो कॉन्फ़िगरेशन लॉजिकल नोड्स पे खत्म होता है, जबकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन लॉजिकल नोड्स के बाद आपका एक फाइल हैंडलिंग एडिशनल आ रहा है। फाइल हैंडलिंग जो है बेसिकली यूज होता है फाइल हैंडलिंग सर्विसेज डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर को अपलोड करने के लिए। तो आप सिर्फ SCL फाइल्स देख करके समझ सकते हैं कि ये जो SCL फाइल है बेसिकली ये है स्नाइडर इलेक्ट्रिक का ID है, S850 कोई भी ID है, इसमें डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर फैसिलिटीज को भी अपलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल है, जबकि ये जो ID है सेल 751 इसके अंदर आप जो है वो फाइल हैंडलिंग फीचर्स अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आप जो डिफरेंट टाइप्स के 61850 के SCL फाइल्स होते हैं बेसिकली वो वर्जन 1 के अंदर दैट मींस 8-1 के अंदर जो भी था उसमें बेसिकली चार टाइप्स के SCL फाइल्स की बात होती है। पहला होता है ICD, ICD को कहते हैं IED कैपेबिलिटी डिस्क्रिप्शन, सेकेंड होता है CID कॉन्फिगर्ड IED डिस्क्रिप्शन, थर्ड SCD सबस्टेशन कॉन्फिगरेशन डिस्क्रिप्शन एंड लास्ट SSD सबस्टेशन स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन। IID जो कि एडिशन 2 में आता है, एडिशन 2 मींस 9-2, IED का मतलब होता है इंस्टेंशिएटेड IED डिस्क्रिप्शन एंड SED सिस्टम एक्सचेंज डिस्क्रिप्शन। मैं सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करूंगा। ICD बेसिकली क्या होता है कि जो डिफॉल्ट फाइल्स होता है जो आपके एक आईडी के अंदर एक लॉजिक फिजिकल डिवाइस के अंदर जो डिफरेंट लॉजिकल डिवाइस उसके साथ जो डिफरेंट लॉजिकल नोड्स है डेटा ऑब्जेक्ट्स है डेटा एट्रीब्यूट्स और सारा का सारा पूरा का पूरा फंक्शन जो डिफॉल्ट आप उठा करके एक फाइल्स में जो SCL फाइल क्रिएट करते हैं वो होता है आईडी कैपेबिलिटी डिस्क्रिप्शन। वो एक आईडी के अंदर जो भी कंप्लीट कैपेबिलिटी है उसको डिफाइन करता है। तो रॉ फाइल होता है इसके अंदर एक आईडी के अंदर की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कंप्लीट लॉजिकल डिवाइस लॉजिकल नोड डेटा ऑब्जेक्ट डेटा एट्रीब्यूट्स पूरा पूरा जो है वो आता है वो होता है आईडी कैपेबिलिटी डिस्क्रिप्शन। जब उसी में से मान लीजिए कि आपका ये एक आईडी है, इस आईडी के अंदर बहुत सारे लॉजिकल डिवाइस लॉजिकल नोड्स आपके अवेलेबल है, अब ये पूरा का पूरा जब आप सीधा सीधा उठा करके सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो वो जो फाइल क्रिएट होता है उसको कहते हैं ICD। लेकिन अब मान लीजिए इनमें से आप कुछ सेलेक्टेड पोर्शंस लेते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आपको सिर्फ यही चाहिए और सिर्फ इतना ही चाहिए और इसमें से भी सिर्फ ये चाहिए, तो इस टाइप के जब हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो पोर्शन चाहिए और सिर्फ उसी को सेलेक्ट करते हैं तो वो जो फाइल क्रिएट होती है वो जो आपका XML फाइल क्रिएट होता है उसको कहते हैं कॉन्फ़िगर्ड आईडी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आप नाम से भी देख सकते हैं कि ये कैपेबिलिटी डिस्क्रिप्शन है, इसमें कंप्लीट आता है, जबकि ये कॉन्फ़िगर्ड आईडी डिस्क्रिप्शन है कि जो पोर्शन आपने कॉन्फ़िगर कर लिया सिर्फ वही। जब डिफरेंट बहुत सारे CIDs को CID 1+2+3+4 n नंबर ऑफ CID को जब आप आपस में जोड़ते हैं और n नंबर ऑफ ICDs को जब आप आपस में जोड़ते हैं तो उससे जो फाइल क्रिएट होता है उसको कहते हैं SCD। बेसिकली SCD में सभी ICD इंडिविजुअल IDs के जो ICD या CID फाइल्स है उसे लेकर के प्लस जो कुछ भी हमें गूचिंग रिपोर्टिंग ये सब जो भी करना है वो सब सब कुछ कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो वो SCD बनता है। सिस्टम स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बेसिकली SLD वगैरह के लिए यूज किया जाता है। अब हम इनको एक एक करके चर्चा करेंगे आने वाले स्लाइड में। तो ये जो है आप यहां तक देख रहे होंगे कि ये हमने सबसे फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था कंट्रोल इंटरलॉकिंग और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन स्कीम्स एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी बेसिकली हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था। सेकंड में हमने स्काडा वर्टिकल कम्युनिकेशन की बात की और साथ ही साथ हमने यहाँ पर गूज की भी बात की थी सेकंड सेशन में। गूज हॉरिजॉन्टल में भी आता है तो ये यहाँ पर भी आया होगा। फिर हम नेटवर्क टोपोलॉजी की बात ये भी हमने सेकंड सेशन में बात की थी कि स्विचेज का क्या यूज होता है स्टार रिंग टोपोलॉजीज क्या होते हैं और इस सेशन में हमने अभी तक जो बात किया है वो है ICD जिसके अंदर हम ICD SCD और CID बेसिकली SCL फाइल्स की हमने बात की है। अब जो इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है वो बेसिकली क्या होता है जो आप जो 61850 का जो फाइल बनता है वो एक स्पेशल SCL फाइल होता है जिसको कि SCD कहते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अब अगर आप देखें तो हर एक जो भी हमारे पास रिले होता है हर एक रिले का वेंडर स्पेसिफिक एक रिले कॉन्फ़िगरेशन टूल होता है जिससे कि वो ICD या CID फाइल क्रिएट करता है। बेसिकली क्या होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर जैसे कि डिक्सी के अंदर आप SCD फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, वैसे SCD फाइल्स एक ओपन सॉफ्टवेयर के थ्रू जैसे कि आप ओमिक्रॉन का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं ID स्कॉट या फिर कोई भी दूसरा आप ओपन सॉफ्टवेयर यूज करिए थर्ड पार्टी का और उसमें कंप्लीट सभी डिवाइसेस का जो कि आपके इंडिविजुअल वेंडर स्पेसिफिक टूल्स से जोड़ के ICD फाइल्स आते हैं जब आप उनको क्लब करते हैं तो आप SCD फाइल क्रिएट करते हैं। और SCD फाइल्स जो है बहुत ही मतलब ईजी समझने के लिए होता है, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन उससे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको कंफर्टेबल वे में यूज कर सकते हैं व्यू कर सकते हैं यूजर के थ्रू। तो जैसे आप यहाँ पर देखें तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होता है दो चीजें, एक होता है इंजीनियरिंग के अंदर कि हमें
रिपोर्टिंग को डिफाइन करना होता है, जो कि होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन में। रिपोर्टिंग डिफाइन करने का मतलब कि कैसे सिग्नल इस पर्टिकुलर आईडी से एसकाडा तक रिपोर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। और थर्ड होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो कि गूज में आता है। तो जितने भी 61850 डिवाइस होते हैं वो अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं SCL लैंग्वेज में, और SCL इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल आईडी आर इंटीग्रेटेड इनटू द 61850 इंजीनियरिंग टूल्स, ये मैंने पहले ही बताया था। अब वर्टिकल कम्युनिकेशंस की जब हम बात करते हैं, तो वर्टिकल कम्युनिकेशंस में बेसिकली ये जो ये तो सॉफ्टवेयर का पोर्शन है, सॉफ्टवेयर के पार्ट के बारे में जब हम बात करेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। वर्टिकल कम्युनिकेशंस में भी बहुत सारे टाइप की कम्युनिकेशंस होते हैं कि आपको रिपोर्टिंग करनी हो किस टाइप की करनी है, कि बफर्ड या अनबफर्ड करना है, फिर डायनामिक या स्टेटिक रिपोर्टिंग करनी है। तो वो सभी चीजें जो है ये हम बाद में जब 61850 के बहुत डिटेलिंग में जाएंगे तब बात करेंगे। अभी के लिए आप देखेंगे तो जो 61850 में सबसे इंपॉर्टेंट सा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इस आईडी का डेटा जो है वो एसकाडा तक भेजना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा कि एक यहाँ पर डेटा सेट क्रिएट करूंगा और उस डेटा सेट में अपने जो भी इंफॉर्मेशन है सभी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर उठा करके डाल दूंगा, और ये इसका कुछ भी एक मैंने नाम रख दिया URCBJ, दैट इज अनबफर्ड रिपोर्ट कंट्रोल ब्लॉकिंग। और इस रिपोर्ट कंट्रोल ब्लॉक में एक रिपोर्ट कंट्रोल ब्लॉक बनाया, उस रिपोर्ट कंट्रोल ब्लॉक में बहुत सारे डेटा सेट को मतलब मैं कर सकता हूँ। जैसे एक रिपोर्ट कंट्रोल ब्लॉक बनाया, उसमें एक डेटा सेट डाला, उस डेटा सेट में फिर बहुत सारे आपने इंफॉर्मेशन डाल दिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डेटा सेट वन है, इजी समझने के लिए एक डेटा सेट वन बनाया, एक डेटा सेट टू बनाया। डेटा सेट वन में मान लीजिए मैंने ले लिया PDIS1OP, PDIS2OP, PDIS3OP, इस टाइप से PTOC OP, इस टाइप से कुछ कुछ ले लिया PTOV OP, और इसको एक डेटा सेट के अंदर डाल दिया। सिमिलरली एक सेकेंड डेटा सेट बना लेता हूँ, मान लीजिए मैं XCBR CILO और CIWI लेकर के इसको एक सेकेंड डेटा सेट में डाला। अब इस कंप्लीट डेटा सेट को एक मुझे रिपोर्ट कंट्रोल ब्लॉक बनाना है, तो एक मैं रिपोर्ट कंट्रोल ब्लॉक बनाऊंगा RCB, उसके अंदर इस डेटा सेट को बना दूंगा। सेकेंड में सेकेंड RCB बनाऊंगा रिपोर्ट कंट्रोल ब्लॉक, उसमें सेकेंड डेटा सेट को। अब ये RCB जो है ये वर्टिकल कम्युनिकेशन के थ्रू स्टाडा को रिपोर्ट करेगा, ये सेकेंड RCB भी इसी टाइप से रिपोर्ट करेगा। तो इस टाइप से वर्टिकल कम्युनिकेशन को कन्फिगर किया जाता है। सेम वे अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी करना है हमें। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है गूज। तो जिस टाइप से आप रिपोर्ट कंट्रोल ब्लॉक बनाते हैं उसी टाइप से हमें गूज कंट्रोल ब्लॉक भी बनाना पड़ता है, जिसको कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर तो GCB लिखा हुआ है, गूज कंट्रोल ब्लॉक। इसके बारे में भी मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तब ये चीजें आराम से क्लियर हो जाता है, तो वहां पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि गूज के बारे में मैंने 7SA 542 के टाइम पर बताया भी है डिटेल में, तो आप वहां पर देख सकते हो गूजिंग कैसे किया जाता है, कैसे एक रिले पब्लिश करता है, कैसे दूसरे रिले सब्सक्राइब करता है। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो ये होता है कि ये तो नाम हो गया सिंपल गूज कंट्रोल ब्लॉक फॉर बस बार प्रोटेक्शन। एक तो मैक एड्रेस होगा, मैक एड्रेस जो होता है ये आपका यूनिक होता है सभी डिवाइसेस के लिए, सभी जो भी मतलब जैसे सपोज ये इस वाले डिवाइस का मैक एड्रेस है, इसी टाइप से दूसरा वाला जो डिवाइस होगा उसका अपना मैक एड्रेस होगा। VLAN प्रायोरिटी वर्चुअल नेटवर्क बनता है इसके केस में, और कैसे उससे डेटा ट्रांसफर होता है, फिर एप्लीकेशन आईडी है, सारे आपका डिफॉल्ट होता है। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक तो ये मैक्सिमम टाइम और मिनिमम टाइम, ये आपको डिफाइन करना पड़ता है। और गूज की थ्योरी में भी मैंने बताया था मैक्सिमम टाइम की मतलब कितने कितने देर पर आपका डाटा रिपीट हो रहा है जबकि स्टेटस चेंज ओवर नहीं हुआ है, मिनिमम टाइम की जब आपका डाटा जो है वो हमारा कुछ चेंज हो गया, एक बार डाटा चेंज हो गया तो आप कितनी जल्दी जल्दी डेटा को किस फ्रीक्वेंसी पर रिपीट करना, तो होता है मिनिमम टाइम। सेम वे ये आपने एक डेटा सेट बनाया था, उस डेटा सेट को जो है इस गूज कंट्रोल ब्लॉक में लिंक कर दिया है। अब जो हमारा 61850 इंजीनियरिंग टूल्स है, बेसिकली इंजीनियरिंग टूल क्या है कि इंजीनियरिंग टूल आपका एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है SCL फाइल को हैंडल करता है। तो जो इनिशियल SCL फाइल्स होता है जो कि हमारा आईडी वेंडर सॉफ्टवेयर टूल देता है उसको कहते हैं ICD फाइल। ये मैंने आपको भी बताया था कि ये इनिशियल SCL फाइल्स होता है जिसमें कि आपको डिफॉल्ट सब कुछ होता है। अब इस ICD फाइल्स को हम 61850 इंजीनियरिंग टूल्स में इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम गूज और रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करते हैं हर एक आईडी का, और इससे जो फाइल क्रिएट होता है वो होता है SCD फाइल, सबस्टेशन कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्रिप्शन। फिर SCD फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं इंजीनियरिंग टूल्स से, और वेंडर स्पेसिफिक टूल्स में इंपोर्ट करने के बाद रिले में राइट कर देते हैं। इस टाइप से हमारा पूरा इंजीनियरिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। वही यहाँ पर दिखाया गया है, मान लीजिए कि ये कुछ आईडी है, IDA IDB IDC IDD, हर एक आईडी का अपना वेंडर स्पेसिफिक टूल्स होगा। तो उस वेंडर स्पेसिफिक टूल्स के थ्रू यहाँ से मान लीजिए कि हमने
इसका ICD फाइल एक्सपोर्ट किया, तो ये फर्स्ट ICD ए हो गया ID 1 का। इसी टाइप से ID B का वेंडर स्पेसिफिक टूल के थ्रू जो ICD एक्सपोर्ट किया वो ICD B, फिर थर्ड का ICD C, फिर फोर्थ का ICD D। अब ये बहुत सारे जो ICD है उसको हम एक 6150 इंजीनियरिंग टूल्स के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, ICD 1, ICD 2, ICD 3, ICD 3, 4 या ABCD, सभी ICD को यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद इन सभी ICD को हम मर्ज करते हैं, यहाँ पर डेटा सेट क्रिएट करके गूज और रिपोर्ट कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट करते हैं, और फाइनली यहाँ से जो ICD फाइल्स जो क्रिएट हो गया है इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ICD एक्सपोर्ट हो गया, और इन ICD को फिर हम इंडिविजुअल IDs में इंपोर्ट करते हैं। तो ICD को इंपोर्ट करेंगे ID A में, ID B में, ID C में और ID D में। यहाँ पर आने के बाद वेंडर स्पेसिफिक टूल में जब वो आ गया तो फिर फाइनली इसको हमारे एक ID में राइट कर देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस होता है 61850 इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट आता है कि 61850 इंजीनियरिंग का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो जो 61850 इंजीनियरिंग अगर आपने बहुत अच्छे से किया है तो बेसिकली इसको समझना आसान हो जाता है, क्योंकि उसके बाद सभी कुछ आपको जनरल PDF फॉर्मेट में इस टाइप से दिख जाता है और इसको कोई भी रीड कर सकता है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये हमारा जो है मेन टॉपिक 61850 इंजीनियरिंग का, जो कैसे 61850 इंजीनियरिंग किया जाता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसके आगे चलते हैं, तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रोसेस बस। बेसिकली प्रोसेस बस जो है ये है 61850-9-2 का एक पार्ट है। और प्रोसेस बस का मतलब ये क्या है कि अभी तक जो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग बे लेवल की बातें कर रहे थे कि बे लेवल तक सभी चीजें जो है वो हार्ड वायर या कॉपर वायर के थ्रू आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रहा था प्रोसेस से। अब अगर प्रोसेस लेवल पर ही सब कुछ आपका फाइबर ऑप्टिक हो जाए तो उसके बाद वहीं पर ही अगर स्विचेज फॉर्म हो जाए और आगे तक सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे ही लैन या ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रांसफर हो, तो उस वाले मेथड को कहते हैं प्रोसेस बस। और 61850-9-2 में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। बेसिकली प्रोसेस बस के अंदर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक तो कि ये आता है IC 61850-9-2 के अंदर, तो ये 9-2 के अंदर आता है। दूसरी चीज है इसके अंदर आपका नॉन कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं, नॉन कन्वेंशनल CTs और CVTs यूज होते हैं, मर्जिंग यूनिट्स यूज किए जाते हैं। अगर आपका कन्वेंशनल करंट ट्रांसफॉर्मर्स है, मतलब ऑप्टिकल करंट ट्रांसफॉर्मर्स और CVTs या वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स है, तो उसको फिर हम मर्जिंग यूनिट के थ्रू लेकर के आते हैं, फिर मर्जिंग यूनिट से सैंपल्ड वैल्यूज उठा करके डिवाइसेज में सेंड किए जाते हैं। तो ये जो है बेसिक उसका स्ट्रक्चर है। आप अगर यहाँ पर देखें 9-2 में क्या होता है, 9-2 में जो भी स्विच गियर्स है, स्विच गियर्स से डायरेक्टली जो डाटा है वो एक मर्जिंग यूनिट के पास, स्विच गियर से डायरेक्टली जो डाटा है वो आपको ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आता है। जो भी हमारा CTs और CVTs है उसके डाटा मर्जिंग यूनिट के थ्रू आते हैं, और फिर ये डायरेक्टली बे कंट्रोलर या रिले के पास सैंपल्ड वैल्यू के फॉर्म में चला जाता है। रिले जो है वो यहाँ से कमांड जब भेजेगा वो भी नेटवर्क के थ्रू आएगा और स्विच गियर पर नेटवर्क के थ्रू फाइबर ऑप्टिक के थ्रू चला जाता है। 61850-9-2 इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है टाइम सिंक्रोनाइजेशन, जिसके लिए कि 1 PPS सिग्नल यूज करना होता है। नेटवर्क प्रिसीजन प्रोटोकॉल, इसमें नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल या नेटवर्क प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल जो होता है PTP, वो यूज किया जाता है 9-2 में। दूसरा इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें रिंग जो टोपोलॉजीज होता है उसके अंदर जो हम प्रोटोकॉल यूज करते होते हैं PRP और HSR, इसके बारे में मैं अलग से किसी सेशन में बात करूंगा। PRP होता है पैरेलल रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, और HSR का मतलब होता है हाईली सीमलेस रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। अब यहाँ तक जो भी डाटा हमारे पास आता है बे कंट्रोलर तक, इसके आगे का तो सेम ही है, स्टेशन बस, स्टेशन बस के ऊपर आपका फिर HMI इंजीनियरिंग PC, और अगर इसके और आगे आपको लेकर के जाना है तो वो फाइनली आपको नेटवर्क कंट्रोल सेंटर या रिमोट कंट्रोल सेंटर पे जाता था। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा जो भी ग्रीन दिखाया हुआ, ये तो 8-1 में भी आता है। 9-2 में सिर्फ आपका क्या हो गया कि स्विच गियर और प्लस आपका CT CVT का जो डाटा है वो भी आपको सैंपल्ड वैल्यू के फॉर्म में आ रहा है, ऑप्टिकल फाइबर और नेटवर्क के थ्रू ही मिल रहा है। राउटर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। राउटर जो होता है आप इसके बारे में किसी सेशन में जब बात करूंगा, 7 लेयर्स ऑफ OSI होता है, कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके अंदर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, इस टाइप से कुछ 7 लेयर्स होते हैं। तो इसका जो थर्ड लेयर्स होता है नेटवर्क लेयर के स्विचेज में आता है राउटर। और राउटर का जो मेन पर्पज होता है, राउटर क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपको एक
सिंगल स्विच के थ्रू या सिंगल राउटर के थ्रू आपको डाटा अलाउ करना पॉसिबल करता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपका एक नेटवर्क है 172.16.34.1 से लेकर के और 200 तक, तो आप अगर स्विच के थ्रू कनेक्ट करें तो आपके जितने भी डिवाइसेज होंगे वो सेम नेटवर्क पे ही होने चाहिए। लेकिन अगर आप बीच में एक राउटर लगा रहे हैं तो आपका एक सीरीज हो सकता है 172.16.34 चल रहा है, दूसरा सीरीज हो सकता है 192.1.2.4 ऐसा कुछ भी चल रहा है। तो दो डिफरेंट नेटवर्क को जब हम एक साथ यूज करना चाहते हैं और उसको फिर कैसे राउटिंग किया जाता है तो वो राउटर्स पे होता है। हम इसके नेटवर्किंग के बहुत डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। और जो 9-2 या 8-16850 का है उसमें क्या क्या चीजें चेंज होती है, ये बेसिकली हमारे पास जो है ये रिले था। इस रिले के अंदर जो मान लीजिए कि ये एक प्रोटेक्शन फंक्शन है, प्रोटेक्शन टाइम ओवर करंट रिले। जनरली जो भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले होता है या कोई भी रिले होता है उसमें आपका क्या होगा कि सीटी और सीवीटी से कुछ इनपुट आएंगे जो कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू हमारे डिजिटल वैल्यूज में कन्वर्ट किए जाते हैं। फिर यहाँ पर जो प्रोसेसर है ये अपना इसके बेसिस पर डिसीजन लेगा कि ओवर करेंट और जो भी इसको करना है वो डिसीजन लेगा ट्रिपिंग का, और फाइनली इसका आउटपुट हाई होगा और ट्रिपिंग के लिए जाएगा। कुछ इनपुट सिग्नल भी होंगे, इस इनपुट सिग्नल के बेसिस पर भी प्रोटेक्शन ट्रिपिंग करवा सकता है। अब जो हम 8-1 या 9-2 की बात करते हैं, 8-1 में सबसे पहला क्या होता है कि आपने आउटपुट कार्ड हटा दिए, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी। आउटपुट कार्ड हटा देने का मतलब सारे आउटपुट कार्ड अभी नहीं हटे, आपने वो आउटपुट कार्ड हटा लिए कि जिससे कुछ आपने कॉन्टेक्ट हाई किया, फिर उसको दूसरे रिले में वायरिंग किया, फिर वहां से फिर ट्रिप करवा रहे, वो आउटपुट कार्ड की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अब आप जो है हार्ड वायरिंग नहीं कर रहे, गूंज के थ्रू कर सकते हैं। सिमिलरली अब आपका आउटपुट कार्ड हट गया, सिमिलरली आप इनपुट कार्ड भी इस रिले का या अगला रिले जहां पर भी उस आउटपुट को यूज करते हैं उसे हटा देंगे। तो यहां तक आपका 8-1 में कंप्लीट होता था जो गूंज में आता था। 9-2 में एक और चीज होता है कि यहां पर अब आपका क्या हो गया, ये 8-1 की आईडीज है। 8-1 में आपको सीटीज होंगे, सीवीटीज होंगे, एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन भी होगा, लेकिन बाकी जो है सब कुछ अभी बचा हुआ है, सिर्फ आपका इनपुट आउटपुट वाले कुछ कार्ड कम हो गए। 9-2 में और एडवांटेज हो जाता है कि यहां पर अब आपने एनालॉग कार्ड जो है प्लस एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन वाला जो वो भी हट गया, और अब आपका सीधा सीधा जो है आईडी इस टाइप से दिखेगा। इसको कहते हैं 9-2 आईडी। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो इथरनेट पोर्ट है वो 9-2 सपोर्टेड होने चाहिए, जो कि पीआरपी और एचएसआर सपोर्टेड होने चाहिए। और अगर ये इसके सपोर्टेड है तो अब आप देखेंगे तो रिले कितना सिंपल सा हो गया, सिर्फ आपको कुछ फाइबर ऑप्टिक्स केबल कनेक्ट करने हैं, उसी के थ्रू नेटवर्क पे सारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है और वो अपना इनपुट डिसीजन ले रहा है, आउटपुट डिसीजन ले रहा है, ट्रिपिंग कर रहा है, जो भी चीज होता जा रहा है। तो ये 9-2 में प्रोसेस प्लस होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सैंपल्ड वैल्यू, जो आपका करंट वोल्टेज का सैंपल्ड वैल्यू है वो कहां से आता है। तो जो करंट वोल्टेज का सैंपल्ड वैल्यू होता है वो बेसिकली अगर हमारे पास नॉन कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर नहीं है, नॉर्मल करंट ट्रांसफार्मर वोल्टेज ट्रांसफार्मर है जिसको कि हमने ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर लिया है सिर्फ, तो वहां पर मर्जिंग यूनिट्स यूज किया जाता है। और इस मर्जिंग यूनिट में क्या होता है कि जो भी आपका करंट वोल्टेज जो भी आ रहा है ये सिग्नल्स यहाँ पर आएगा, मर्जिंग यूनिट क्या करेगा कि इनको आपको सैंपल्ड वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा और इसको एक टाइम सिंक्रोनाइजेशन के जो भी टाइम सिंक्रोनाइजेशन इक्विपमेंट होगा, मॉनिटरिंग होगा, वो सभी चीज यहाँ पर होगा और फिर वो सैंपल्ड वैल्यू सेंड किया जाता है नेटवर्क से आपको कंट्रोल और प्रोटेक्शन आईडीज में। ये सैंपल्ड वैल्यू जो है ये हमारे कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन आईडीज में सेंड हो जाते हैं। तो अगर आपका कन्वेंशनल सीटीपीटी होगा उस केस में मर्जिंग यूनिट का रिक्वायरमेंट होता है, उसमें क्या करेगा कि नॉर्मल जो हमारे एनालॉग इनपुट ट्रांसफार्मर है वो एनालॉग मेजर करेगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करेंगे हम, और उसको जो है ऑप्टिकल में यहाँ पर कन्वर्ट होने के बाद मर्जिंग यूनिट के थ्रू वो डाटा सेंड कर दिया जाता है। तो जो भी हमारे ये चीज है एनालॉग मेजरमेंट और ए बाय डी कन्वर्जन, ये आईडी लेवल पर अब यूज नहीं होगा, ये एक मर्जिंग यूनिट के अंदर यूज होता है। तो आईडी से इसको मूव कर दिया गया, यहाँ से मूव अवे फ्रॉम आईडीज एंड आर प्लेस्ड इनटू द मर्जिंग यूनिट। तो ये हमारा मर्जिंग यूनिट का काम होता है। अगर आपका नॉन कन्वेंशनल सीटीपीटी है तो उस केस में आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली सैंपल्ड वैल्यू ही मिल जाएगा। मर्जिंग यूनिट के बारे में अभी तक मतलब ऐसा है कि इसका ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुआ, स्टडी अभी चल ही रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि मान लीजिए कि आपका जो सैंपल्ड है, जो हमें सैंपल्ड वैल्यू मिल रहा है उसमें कुछ टाइम डिले है तो कैसे रीड करेगा, या जो ट्रांजिएंट टाइम्स में जो हमारे पास जैसे आपको पता है कि सीवीटी का अपना कुछ ट्रांजिएंट होता है, ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस अलग होता है। अब अगर उसी टाइप से जो हमारे पास वैल्यूज आ रहे हैं जिसको ये सैंपल्ड कर रहा है, तो वो सैंपल्ड वैल्यू का न्यूमेरिकल रिले के परफॉर्मेंस पर, न्यूमेरिकल रिले के एल्गोरिथम पर क्या फर्क पड़ेगा, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर स्टडी है। तो ये हमारा जो है 61850 यहाँ पर कंप्लीट होता है।
फर्स्ट सेशन में हमने बात की थी कंट्रोल इंटरलॉकिंग, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, सेकेंड में प्रोटेक्शन स्कीम्स, उसके हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, फिर हमने बात की थी स्काडा वर्टिकल कम्युनिकेशन, नेटवर्क टोपोलॉजी, SCL फाइल्स, ICD, CID, ICD, फिर 650 टूल्स, और फाइनली हमने प्रोसेस बस के बारे में चर्चा की है। तो यहां तक हमारा 6850 का जो भी फंडामेंटल कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है। होपफुली अभी तक के जो भी सेशन है उनमें जो भी चीजें बताई गई है वो आपको क्लियर होगा, और अगर आपको अभी तक की जो भी सेशन है वो अच्छा लगा हो, अभी तक की जो भी सेशन है वो समझ में आया हो, तो आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, जिससे कि वो भी इन वीडियोस से सीख सके, इन ट्यूटोरियल से सीख सके और इन कंसेप्ट्स को अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सके, जिससे कि हम एक बेटर रिले इंजीनियर, बेटर प्रोटेक्शन इंजीनियर कम्युनिटी को फॉर्म कर सके। साथ ही अगर आपको इन वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम्स है, इन ट्यूटोरियल्स में कुछ डाउट्स है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके कमेंट के बेसिस पर, आपके फीडबैक के बेसिस पर आने वाले सेशंस को और इंटरेस्टिंग और इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।